हाय गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है ज्योमेट्री बेस्ड और बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेट्स सी दिस क्वेश्चन एक्केयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कट अलोंग इट्स डायगोनल वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस वन सेंटीमीटर दैट कैन बी कट फ्रॉम द टू पीसेस तो हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लेट सी नाउ तो हमारे पास एक टेन सेंटीमीटर का स्केयर दिया हुआ है और उसमें से हमें पहले डायग्नली कट लगाना है डायगनली कट लगाने के बाद जो दो पीस बनेंगे उनमें से सर्कल्स कटआउट करने हैं तो मैक्सिम कितने सर्कल्स आप कटआउट कर सकते हो दोनों पीसेज में से मिला के वो हमें बताना है तो एक काम करते हैं हम पहले कट नहीं लगाते पहले डायग्नली पहले डायग्नली काटते नहीं हैं पहले इसके अंदर सर्कल्स प्लेस कर लेते हैं और सर्कल्स अगर हम प्लेस करते हैं सपोज़ ये हमारे पास एक टेन बाई टेन का square दिया हुआ है दिस इज़ अ टेन बाई टेन square. ठीक है टेन सेंटीमीटर इसकी साइड है तो ये टेन है तो ये भी टेन है तो इसके अंदर अगर मैं सर्कल्स प्लेस करता हूँ वन रेडियस के तो diameter 2 टू टू सेंटीमीटर हो जाएगा तो वो सर्कल्स आपको कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं यहाँ पर ये ये अपना डाय टू हो गया इधर से ये टू हो गया इधर से ये टू हो गया और इधर से ये टू हो गया तो कुछ इस तरह से दिखा देते हैं और यहां से मैंने इसको भी टू टू में ले लिया टू में क्यों क्योंकि डायमीटर टू बनने वाला है तो डायमीटर टू बनने वाला है तो मुझे इतना स्पेस चाहिए ये टू बाई टू के स्क्वेयर्स मैंने इसके अंदर बना दिए देखो टू बाई टू का बनाऊंगा तो मैं एक के अंदर एक सर्कल बना सकता हूँ लाइक दिस एक के अंदर मैं ऐसे करके एक सर्कल बना सकता हूँ इसके अंदर भी एक सर्कल बना सकता हूँ दिस तो सबके अंदर मैं एक एक सर्कल बना सकता हूँ ये टू बाई टू का ही क्यू सर क्योंकि इसका डायमीटर टू होगा क्योंकि रेडियस दी हुई है तो डायमीटर टू होगा तो ऐसे करके आपने देखा कि क्योंकि यहाँ पे ये यह एक टू का है तो ये भी टू है ये भी टू है ये भी टू है ये भी टू है ये भी टू है, भी टू है, भी टू है, भी टू है। तो यहाँ पे भी ये टू 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 है तो आप कहेंगे कि टोटल हमारे जो स्केयर बने हैं टू बाई टू के वो वो कितने बनेंगे क्योंकि पाँच ऐसे करके बनेंगे और पांच रोज हैं ये पांच सर्कल्स इसके अंदर मैं बना सकता हूँ क्योंकि पांच स्क्यर बनाए हैं मैंने टू बाई टू के और पांच सर्कल यहाँ बनेंगे तो टोटल ट्वेंटी फाइव बनेंगे हमारे बट टोटल ट्वेंटी फाइव तब बनते जब मैं डायग्नली कट ना करता टोटल मैं ट्वेंटी फाइव सर्कल्स बना सकता था ये बात क्लियर हो रही होगी देखो ऐसे करके मैं टोटल ट्वेंटी फाइव सर्कल्स बना सकता था फाइव ये हो गए एक रो में और ऐसे ऐसे पाँच रोज हैं तो टोटल ट्वेंटी फाइव बना सकता था लेकिन लेकिन मैंने डायग्नली कट कर दिया मैंने डायग्नली एक कट लगा दिया तो डायग्नली अब कट लगा देता हूँ वो काम पहले कर दिया मैंने देखो बाद में करो पहले करो उससे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ये काम बाद में भी करता हूं कैन आई से दैट जो सर्कल्स इन वाले स्केय के अंदर बनेंगे टू बाई टू वाले हाँ जी इनके अंदर बनेंगे कहनाई से उन सब में कट लग जाएगा और उन सब में कट लग जाएगा तो वो वो सर्कल्स फाइनली नहीं निकाले जा सकते दो पीसेज जो बनेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं सर्कल बनेंगे ही नहीं सर्कल तो ये बनेंगे सिर्फ इनको छोड़ के बाकी जितने बचेंगे देखो हमने कहा था टोटल पच्चीस स्क्वेयर बने थे टू बाई टू के तो टोटल पच्चीस सर्कल निकल सकते थे अगर हम डायगनली पच्चीस सर्कल कट आउट कर सकते थे अगर हम डायग्नली ना काटते क्योंकि डायग्नली काट दिया तो ये पाँच सर्कल्स बनाने का स्कोप खत्म हो गया क्योंकि यहाँ कट लग गया तो आंसर कितना होना चाहिए इस क्वेश्चन का 20 होना चाहिए नेक्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो आपको सिंपली ये सोचना है कि टोटल कितने सर्कल्स निकल सकते हैं एक स्क्वायर में से तो टोटल अगर टोटल अगर n स्क्वायर निकल सकते हैं तो याद रखिए n पे कट लगेगा टोटल अगर n स्क्वायर निकल सकते हैं तो n पे कट लगेगा आंसर n माइनस n हो जाएगा n क्या है n इज द नंबर ऑफ सर्कल्स या नंबर ऑफ आप बोल सकते हो सर्कल्स uh, बोल दो या स्केयर्स बोल दो टू बाय टू के क्योंकि रेडियस वन चाहिए थी तो स्केयर्स टू बाई टू के चाहिए तो नंबर ऑफ सर्कल्स हाँ विदाउट डायग्नली कट विदाउट डायग्नली कट अगर आप डायग्नली कट नहीं लगाते हो तो नंबर ऑफ सर्कल जितने निकल सकते हैं वो एन है तो एन स्केयर और माइनस एन क्योंकि डायगनली आपने कट लगा दिया तो एन स्केयर माइनस एन शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे टोटल हाँ जी कितने थे एन स्क्वायर एन स्क्वायर टोटल सर्कल्स थे हमारे एन स्क्वायर टोटल सर्कल थे ये ध्यान रखिएगा एन स्क्वायर अगर टोटल सर्कल थे तो जैसे इसमें ट्वेंटी फाइव टोटल सर्कल थे तो माइनस एन तो माइनस फाइव हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्वेंटी और ट्वेंटी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन